हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल के एंड एम एजुकेटर्स क्लास। तो हमने क्लास पिछली क्लास में चैप्टर सेकंड जो पॉलीनोमियल है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो करा था, हमने पार्ट करा था। अगर जिसने वो नहीं देखा तो वो देख ले। आज हम 2.1 ख़त्म करेंगे और 2.2 के 3 क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बने रहें चैनल के साथ, आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो मिलनी है यहाँ पर बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ। तो शुरू करते हैं हम 2.1 समझते हैं कैसे है। इसमें बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है आपकी एक 2.1, तो उसे हम समझते हैं। इसमें कह रहा है द ग्राफ ऑफ वाई बराबर पी एक्स। वाई बराबर क्या कह रहा है? पी एक्स। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं पेन को। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है, इसमें फिगर दे रखे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है फॉर सम पॉलीनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। इसमें कह रहा है जो पी एक्स हैं उसके नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ जीरोज। तो देखो हमें ओनली पी एक्स के बताने हैं। तो ये वाली जो लाइन होती है आपको पता ही है, ये वाली लाइन जो होती है हमारी, ये वाली वर्टिकली, वो होती है हमारी एक्स वाली। ये क्या होती है? हमारी एक्स वाली। और ऐसी जो लाइन होती है वो होती है मेरी वाई वाली, यहाँ होता है वाई। ठीक है, तो आपको ये बात तो पता ही है सबको। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हैं एक्स वाले। ओनली क्या देखने हैं हमें? एक्स वाले। क्लियर, सबके समझ में आ गई बात ये वाली? तो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, अगर हम पहला डायग्राम देखें, आप ध्यान से पहला डायग्राम देखें। ठीक है, इसमें तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे आपके, हम एक्स वाले देखेंगे नंबर ऑफ जीरो, मतलब एक्स वाली जो लाइन है उस जो हमारा ग्राफ दे रखा है वहाँ से कितनी बार टच हो रही है, वहाँ से कितनी बार क्या हो रही है? टच हो रही है, वो चीज़ देखनी है हमें। तो आप इस वाले में देखें, पहले वाले में, तो कहाँ कहाँ टच हो रही है? देखो, एक यहाँ टच हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है। तो ऊपर जो टच हो रही है, ये वाली जो हो रही है, पर ये एक्स वाली नहीं है, ये वाई वाली है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। क्लियर, सबको समझ में आ गई? नहीं आ गई? एक यहाँ टच हो रही है, एक फिर देखो एक यहाँ टच हो रही है, दो और एक यहाँ, तीन जगह टच हो रही है। तो इसमें जो पहले वाले में नंबर ऑफ जीरो होंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? थ्री हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? थ्री। आई होप आपके समझ में आया होगी। पहले में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? थ्री, क्योंकि तीन जगह टच हो रही है एक्स वाली लाइन। आपको ये देखना है बस टच कहाँ हो रही है, एक, दो और तीन। तो कितने जीरो हो गए? नंबर ऑफ जीरो तीन हो गए। सेकंड वाले में देखते हैं, देखिए यहाँ तो कहीं टच नहीं हो रही, यहाँ टच हो रही है यहाँ पे। सेकंड वाले में कहाँ टच हो रही है? यहाँ पे। तो सेकंड वाले नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे हमारे? वन। कितने हो जाएंगे? वन। तीसरे वाले में देखो, एक्स वाली लाइन कहीं भी टच नहीं हो रही, सिर्फ आपको कहाँ हो रही है? वाई वाली लाइन टच हो रही है, ऊपर वाली जो वाली कहीं भी टच नहीं हो रही। तो तीसरे वाले नंबर ऑफ जीरो हमारे हो जाएंगे जीरो। आपको क्या लिखना है? बस नंबर ऑफ जीरो बराबर तीन, सेकंड वाले नंबर ऑफ जीरो बराबर वन, तीसरे वाले नंबर ऑफ जीरो बराबर जीरो। फोर्थ वाला देखें हम, देखो फोर्थ वाला ध्यान से देखेंगे आप, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट, ऊपर वाला नहीं देखेंगे, उससे मतलब नहीं हमें, इससे मतलब है तीसरे से। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? तीन। फोर्थ वाले में कितने हो जाएंगे? तीन। ये वाला देखिए आप, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, तीन पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, चार पॉइंट है हमारे। तो फिफ्थ वाले में कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ जीरो? फोर। ये वाला देखिए आप, इसमें देखो एक ये वाला और एक ये वाला, क्लियर दिख रहा है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? दो। क्लियर, समझ में आई? नहीं आई? तो नंबर ऑफ जीरो हमें देखने हैं एक्स वाले। अगर यहाँ पे आप लोगों से कह देता, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी वाई बोल देता। क्या बोल देता? पी वाई इन ईच केस। तो आप कौन से देखते हैं? ऊपर जो टच हो रही है। समझ में बात आई? नहीं आई आप लोगों के? रटना नहीं है कि सिर्फ पी एक्स ही देगा, आपके एग्जाम में पी वाई भी दे सकता है, उसकी मर्जी कुछ भी दे सकता है वो। तो आपको क्या देखना है? पी एक्स वाले तो एक्स से कितने टच हो रहे हैं और पी वाई वाले तो वाई वाली लाइन से कितने टच हो रहे हैं, इस वाली लाइन से। क्लियर, सबके समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करते हैं? समझ में? मैंने आपको कल भी बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, कल बताए थे मैंने आपको, तीन पॉलीनोमियल होते हैं। डिग्री हमारी अगर लीनियर है तो एक डिग्री होगी, क्यूबिक क्वाड्रेटिक है तो दो डिग्री होंगी और क्यूबिक है तो तीन डिग्री होंगी। इसका अर्थ आपके समझ में आई होगी बात, क्यों ऐसा होता है? तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लीनियर, जैसे चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसको आप उतार लें, ठीक है ना? तो मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। देखो एक सेकंड रुकिए, हाँ देखो, अब मैं इसको अगर आपको मैं समझाऊँ तो लीनियर देखो क्या है हमारा। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 4x + 2 = लिख रहा मैंने 0। क्लियर, अब
फोर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू इधर जाएगा माइनस का टू हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस के टू अपॉन फोर, तो कितना आ गया माइनस के वन अपॉन टू। ये है हमारा जीरो, जो आंसर हमारा आता है उसे हम बोलते हैं जीरोज, मतलब इस लीनियर इक्वेशन का जीरो क्या है माइनस का वन अपॉन टू। इस पूरी लीनियर इक्वेशन जो लीनियर ही तो है ये, क्यों लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है हमारी वन है, तो इसका जीरो क्या है एक, जीरो क्या आया एक ही तो आया माइनस के वन अपॉन टू, दो तो आए नहीं है, तो इसके जीरो एक इसलिए आए हैं क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि ये आया ये लीनियर है, लीनियर की डिग्री एक होती है तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही आएगा, या उसके जीरोज भी जो आएंगे सिर्फ एक ही आएंगे, जीरोज का मतलब है जो उसका आंसर आया है। क्लियर बात समझ में आई नहीं है आप लोगों के, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जीरोज हम क्या में क्या देखने हैं, जो उसके आंसर जो आया है, क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब देखो मैं आपको लीनियर समझ में आ गया, अब मैं आपको जो 2.2 शुरू होगी उसमें क्वाड्रेटिक समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो 2.2 हमारी शुरू हो रही है यहाँ से, अब इसमें हमें देखो दो चीज़ हमें देखनी है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें 2.2 में, आपके अच्छे समझ में आएंगे, आप ध्यान से सब वीडियो को देखें बिल्कुल केयरफुली। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या निकालने हैं जीरोज निकालने हैं, क्या निकालने हैं जीरोज। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें निकालने हैं, हमें क्वाड्रेटिक, पहले हमने अभी मैंने आपको क्या बताया लीनियर पॉलीनोमियल के बताए थे, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरो निकालने हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, अगर लीनियर पॉलीनोमियल में डिग्री एक होती है तो उसका जीरोज भी एक आया था माइनस के वन अपॉइंट टू, बट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में डिग्री दो होती है तो उसका जीरो भी कितने आएंगे दो आएंगे, कितने आएंगे दो आएंगे। फिर उसमें हमें रिलेशन वेरीफाई करना होगा, क्या वेरीफाई करना पड़ेगा रिलेशन, तो चीज़ समझते हैं। देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती होगी सबको, क्योंकि आप नाइन्थ में पढ़ कर आए हैं, अगर आपने नाइन्थ में ढंग से पढ़ी है तो आपने सॉल्व करना सीखा होगा, जैसे हमारी पहली है एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस के एट, इसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, माइनस के एट का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस के एट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का एट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें माइनस टू एक्स के ऐसे टुकड़े करने हैं, माइनस के टू एक्स के ऐसे हमें पेयर बनाने हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो माइनस के एट एक्स स्क्वायर आए और उसका सम जो आए माइनस के टू एक्स आए। अब हमें एक चीज़ देखिए, हमें जो प्रोडक्ट लाना है माइनस के एट एक्स स्क्वायर लेके आना है, ऑब्वियसली बात है हमें क्या लेके आना है प्रोडक्ट माइनस के एट एक्स स्क्वायर, और माइनस में प्रोडक्ट कभी तभी तभी आता है जब एक डिजिट किसकी हो माइनस की हो, दूसरी डिजिट किसकी हो प्लस की हो। माइनस में कब आएगा, एक माइनस की होगी दूसरी प्लस की होगी तभी तो माइनस में प्रोडक्ट आ सकता है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें माइनस में अगर प्रोडक्ट लेके आना है तो हमारी एक डिजिट माइनस की होगी, दूसरी किसकी होगी प्लस की होगी। अब हमें ये भी देखना है कि बड़ी किसकी होगी, अब हमें ये भी देखना है बड़ी माइनस की होगी या प्लस की होगी। वो कैसे देखते हैं, वो यो जो साइन हमारे यहाँ पर होता है माइनस का टू एक्स है यहाँ पे, तो माइनस का जो साइन यहाँ पर अगर दे रखा है माइनस, तो माइनस की बड़ी होगी, अगर यहाँ प्लस दे रखा होता तो प्लस की बड़ी होती। समझ में आ गई, प्रोडक्ट से तो ये समझ में आया कि एक माइनस की होगी एक प्लस की होगी, पर टू एक्स की आ गई हमारे जो माइनस का साइन दे रखा है, इससे ये समझ में आया बड़ी जो होगी माइनस की होगी, छोटी जो होगी प्लस की होगी। तो माइनस के टू को हम अगर तोड़ें तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का फोर और प्लस का टू लिख सकते हैं, माइनस का फोर और प्लस का टू इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि माइनस के फोर का मल्टीप्लाई टू में करोगे तो माइनस का एट आएगा, और माइनस के फोर में से टू जाएगा तो माइनस के टू बचेंगे। समझ में आई आपके नहीं आई, तो मैं यहाँ से समझ में आ गया, हमें माइनस के फोर एक्स तो क्या लेने हैं प्लस के टू एक्स लेने हैं, माइनस के फोर एक्स और प्लस के टू एक्स लेने हैं। समझाता हूँ मैं आपको दोबारा से, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, हमें क्या हमने क्या करें माइनस के फोर एक्स और प्लस के टू एक्स माइनस एट इज इक्वल, देखो एक्स यहाँ इस एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारा एक्स माइनस का फोर बचा, क्या बचा एक्स माइनस का फोर प्लस का टू, तो एक्स माइनस का फोर, तो हमारे कितने आ गए, तो एक्स एक तो हम इसमें से उठा लेंगे, देखो अगर हमने सही किया होता है तो ये वाला और ये वाला सेम आता है हमेशा, तो एक्स माइनस फोर बराबर जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, क्योंकि बराबर क्या होता है यहाँ जीरो, तो एक्स माइनस फोर बराबर जीरो एक, और x जो प्लस टू बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से आ गया हमारा x बराबर फोर, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आई, फोर और माइनस के टू दो वैल्यू आई, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है,
इसलिए जो जीरो जो आए हैं दो आए हैं, जीरो मतलब जो एक्स की वैल्यू आई है। समझ में आया नहीं आया, लीनियर में एक क्यों आती है, क्योंकि उसमें हमारा एक डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक में क्यों दो आती हैं, क्योंकि इसमें हमारी दो डिग्री होती हैं। क्यूबिक में कितनी आएगी, तीन आएंगी। आपने क्यूबिक पॉलीनोमियल सॉल्व किया था नाइन्थ में, आपको याद हो उसमें पूरा डिवाइड करके तीन आंसर आते थे एक्स के, तो वो क्यूबिक होता है। वो क्या होता है, हमारा क्यूबिक होता है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई आप लोगों के? अब आप देखिए एक्स बराबर फोर और माइनस के टू तो आ गए हमारे। अब हमें इसमें रिलेशन भी वेरीफाई करना होता है। क्या वेरीफाई करना होता है, रिलेशन। वो चीज़ समझती हैं, देखिए हमारा कितने आए हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस के एट है। हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस के एट। इसके हमारे जो जीरो जो आए हैं वो कितने आए हैं, एक्स बराबर फोर और माइनस का टू। तो हम क्या करेंगे, इसे अल्फा मान लेंगे फोर को, इसे क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे माइनस के टू को। अब देखो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो मतलब सम जीरोज का सम, जो जीरोज है हमारे कौन कौन से हैं, फोर और माइनस टू। तो फोर प्लस माइनस का टू तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का टू। अब देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकालेंगे, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, फोर और माइनस के टू का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एट। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, जीरो आए हमारे फोर और माइनस के टू, उसके बाद हमने सम ऑफ जीरोज करा, फोर प्लस एक क्या हो गया, माइनस का टू, माइनस का टू आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया, माइनस का एट। क्लियर समझ में आ गया आप लोगों के? अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है इसमें रिलेशन वेरीफाई करना है। हमें क्या देखना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेशन वेरीफाई करना है। वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, वो किए रिलेशन वेरीफिकेशन करना है हमें। क्या करना है, वेरीफिकेशन। अब वेरीफिकेशन कैसे करेंगे, देखो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस का एट, देखो इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इससे कंपेयर करा तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर की क्या है, यहाँ वन है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी वन। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू नहीं माइनस की टू आएगी, पूरा ले लेंगे माइनस का टू। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एट आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, माइनस का एट। तो हमारा जो सम ऑफ जीरो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा माइनस के बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो देखो माइनस तो रह गई बाहर, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू हमारी माइनस के टू, और ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू है वन। तो यहाँ क्या आएगा, वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का टू। तो हमारा जो सम ऑफ जीरो कितना आया, टू। और तब हमने सॉल्व करा था उसमें, देखिए इसमें कितना आया था हमारा सम ऑफ जीरो, माइनस का टू। तो हमारा इसका मतलब हमने सही किया। समझ में आई नहीं आई तो वेरीफिकेशन। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ कितना आया, माइनस के एट, तो वहाँ भी हमारे फॉर्मूले से भी कितना आएगा, माइनस का एट आएगा। देखिए सॉरी, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन ए। क्या होता है, C अपॉन ए। C कितना है हमारा, माइनस का एट, और A कितना है वन, तो कितना आ जाएगा, माइनस का एट। तो हमने पहले सॉल्व किया था तब भी कितना आया था, वो माइनस का एट, और अब भी हमने जो सॉल्व किया है तब भी कितना आया हमारा, माइनस का एट। तो आपको जो वेरिफिकेशन करते हैं तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।